नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़। अंदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। आज शिक्षा विभाग से एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल कर आ रही है अंदेशक मानदेय जून माह को लेकर। जी हां साथियों, इससे पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि मानदेय स्वीकृत हो चुका था और उसका आदेश आना बाकी था। वो आदेश भी आ चुका है। क्या है वो आदेश, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए क्या लिखा है इस आदेश में। मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़कर बता रहा हूँ। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय है अंशकालिक अंदेशक मानदेय माह जून 2022 की धनराशि प्रेषण के संबंध में। महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक मानदेय 2022-23 दिनांक 10 जून 2022 के द्वारा अंशकालिक अंदेशक मानदेय माह मई 2022 की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। अग्रेतर शासनादेश संख्या इतने इतने बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 15 जून 2022 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अंदेशक के संविदा अवधि एवं नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधी शासनादेशों में संशोधन किया गया है। राज्य परियोजना से आया हुआ ये लेटर 1/7/2022 का, यानी कि आज की तारीख का है। और ये आप देख सकते हैं साफ साफ सबसे पहले हमारे अंदेशक न्यूज़ चैनल पर। आगे के क्रम में लिखा हुआ है, उक्त के क्रम में अंशकालिक अंदेशक मानदेय ग्रीष्मावकाश के पश्चात सत्र प्रारंभ तिथि दिनांक 16 जून 2022 से 30 जून 2022 तक की कुल आगणित धनराशि इतने इतने, यानी कि 11,64,73,500 मात्र संलग्न विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है। तदनुसार PFMS पर आहरण एवं व्यय की सीमा निर्धारित की जाती है। उपर्युक्त के अनुसार मानदेय का भुगतान अंशकालिक अंदेशकों के खातों में PFMS प्रणाली के माध्यम से ही किया जाएगा। धनराशि प्राप्त होने तथा प्रतिमाह व्यय अवशेष की सूचना से राज्य परियोजना कार्यालय को सूचित करें, प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। भवदीय विजय किरण आनंद, राज्य परियोजना निदेशक। तो साथियों, आपने देखा आपकी मेहनत का पैसा, आपके मेहनत का मेहनताना, यानी कि 15 जून से 30 जून का मानदेय आ चुका है और जल्द ही आपके खातों में भी पहुंच जाएगा। साथियों, इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है अंदेशकों के लिए। अंदेशकों के मसीहा डॉक्टर एपी सिंह साहब जी की आज जन्मदिवस है और हम समस्त अंदेशक परिवार, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट आदरणीय श्री एपी सिंह साहब की जन्म पर हार्दिक शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ प्रेषित करते हैं कि सर आप यूं ही मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और हम सभी के मार्गदर्शक बने रहें। तो ये थी साथियों आज की दो बड़ी अपडेट, दो दो खुशखबरी अंदेशकों के लिए। जून माह का मानदेय प्राप्त हो चुका है और अंदेशकों के मसीहा डॉक्टर एपी सिंह साहब का आज जन्मदिवस है। हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।